ये घर का वाला है ना मैडम, अभी भी रहता ही है। अभी रहता है, फैमिली का साथ नहीं रहना है, बहुत डेंजर आपको, डेंजर है ऐसे तो हल्का से, और एक बार निकल जाएगा आपका, घर गिर जाएगा। ऑलरेडी काम देते ना भैया, आप रहते ना पाइप पे ना, पाइप 4-5-6-10 जैक पाइप। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों याद होगा, अभी 2 दिन पहले हमने डॉक्टर कॉलोनी के खेती बस्ती यहाँ का हाल दिखाया था और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आज किस हाल में ये लोग रह रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग के कारण लगभग सारे घर ध्वस्त हो चुके हैं और लोग बाग इसमें उसी हालत में अपने बाल बच्चों के साथ परिवार अभी भी बसे हुए हैं, रह रहे हैं और डरे सह में है कि उनका जीवन का क्या होगा, प्रशासन की ओर से उनको क्या मदद की हाथ बढ़ाए जाएंगे अथवा नहीं बढ़ाए जाएंगे, कार्रवाई क्या होगी। हमने दिखाया था कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से, भूस्खलन की वजह से यहाँ जो रिटर्निंग वॉल खड़ी की गई थी, मैंने कहा था कि मिट्टी ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया और वो भी अपनी जगह से खिसक चुका है। कुल मिला के मिट्टी रुकने का भूस्खलन नाम नहीं ले रही है और न्यूज़ चैनल के हमारे इसी का असर है कि आज इस वक्त में यहाँ के दौरे पे आए हैं, इंस्पेक्शन के लिए आई हैं हमारी म्यूनसिपल पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन मैडम, उनके साथ में बाकी तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, जेई हैं, अन्य अधिकारी और लोग जो इससे संबंधित हैं। आइए हम आपको दिखाएंगे, अभी वो पहुंच चुकी हैं और वो इंस्पेक्शन कर रही हैं, हम आपको वो हाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले भी हमने दिखाया था कि सब ढह चुका है और मैडम जो है चेयरपर्सन मैडम अभी इंस्पेक्शन कर रही हैं, दौरा कर रही हैं और देख, हम इसके बाद बात करेंगे कि म्यूनसिपल काउंसिल कैसे मदद कर सकती है यहाँ पे रह रहे लोगों के लिए जो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, जिनके घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं मैडम इंस्पेक्शन कर रही हैं और यहाँ के लोगों के लिए एक राहत की बात है कि खुद चल करके यहाँ पे पीवीएमसी चेयरपर्सन खुद आई हुई हैं और यहाँ का जायज़ा ले रही हैं, मुआयना कर रही हैं और किस तादाद में यहाँ पे नुकसान पहुँचा है लोगों के घरों को, स्लाइडिंग किस हद तक हुई है और हम इसके बाद बात करेंगे लगातार मैडम के इंस्पेक्शन के तुरंत बाद की उनकी तरफ से क्या आश्वासन यहाँ में रह रहे लोगों को दिया जाएगा और वो क्या उम्मीद करेंगी मैडम से, चेयरपर्सन मैडम से, इनके साथ में उनके अधिकारी हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं कि नुकसान किस हद तक हुआ है, किस पैमाने में हुआ है। चलिए हम उनके साथ बने रहेंगे इंस्पेक्शन के पूरे दौरान और देखते हैं और बात भी करेंगे हम उनसे। लगातार हम जो हैं चेयरपर्सन मैडम के साथ बने हुए हैं, लगातार वो उन घरों का जायज़ा ले रही है, निरीक्षण कर रही है और देखने की कोशिश कर रही है कि कितने डैमेज हुए। कुछ हद तक उनमें आपसी बातचीत हुई, सीनियर वाइस चेयरमैन वो भी पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के, वो भी लगातार उनके साथ में है, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं, जेई है, असिस्टेंट इंजीनियर है, लगातार सभी घरों का निरीक्षण बखूबी कर रही हैं और उनके दुख तकलीफ़ों को जानने की कोशिश कर रही है, महसूस करने की कोशिश कर रही है और हमें प्रतीक्षा है उस घड़ी की, क्योंकि थोड़े देर बाद सेक्रेटरी साहब के भी आगमन होने की, निरीक्षण में यहाँ जुड़ने की सूचना है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार
लोग अपने घरों में हुए नुकसान का ब्यौरा दे रहे हैं, वो कब से रह रहे हैं, उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें झेली हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, कुल मिला के ये तमाम जानकारियां मैडम को दे रही हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन को दिया जा रहा है और वो इनको सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अब जो है सेक्रेटरी साहब के यहाँ निरीक्षण के बाद क्या बात सामने निकल के आती है और आश्वासन क्या दिया जाता है यहाँ के बासिंदों को, निवासियों को जो जूझ रहे हैं अपने जानों माल से और इस तकलीफ़ के साए में, इस डर के माहौल में वो वक्त बिता रहे हैं, जी रहे हैं। अब सेक्रेटरी साहब भी दौरा करेंगे और जुड़ेंगे म्यूनसिपल के आला अधिकारियों के साथ में और आपको हम ये दिखाते रहेंगे और उसके बाद हम बात करना चाहेंगे और करने की कोशिश करेंगे कि आश्वासन क्या मिल पाता है यहाँ के निवासियों का, आज इस तकलीफ़ के वक्त में क्या दिलासा पूर्ण शब्द उनके निकलते हैं, क्या आश्वासन दिए जाते हैं। बातचीत आगे और आगे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार यहाँ इस वक्त में थोड़ी बहुत दिल में शांति और मन में शांति का एक लोगों के ऐसे प्रतीत होता है कि कुछ तो म्यूनसिपल जो है म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से पहल किया गया है और वो यहाँ पे मौजूद हैं और आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी तसल्ली की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तसल्ली, केवल तसल्ली नहीं, इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका हल क्या निकलेगा, चलिए हम आगे के कवरेज आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ अब लगभग इंस्पेक्शन ख़त्म हो चुका है, सेक्रेटरी महोदय भी आए थे और चेयरपर्सन मैडम जो हैं पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 12 की काउंसिलर मैडम और तमाम लोग, एक्स चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल उदय जी, सीनियर वाइस चेयरमैन अजीजुर रहमान जी, तमाम और एई जो कंसर्न एई साहब हैं इन लोग आए हैं और इंस्पेक्शन लगभग पूरी हो चुकी है, इन्होंने जायज़ा ले लिया है, निरीक्षण कर लिया है कि किस हालत में लोग रह रहे हैं और क्या है वो स्टेप आगे, वो क्या कदम उठाएंगी उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे। चेयरपर्सन मैडम आप ये बताएंगी जो जायज़ा लेने के बाद आपको क्या लगा, यहाँ के हालात कैसे हैं? पूरी हालत सभी का नमस्कार है, पूरी हालत है, डिस्टर्ब तो हुआ है, अभी सैनिटरी सर आया सबको शिफ्ट करने के लिए बोले, हम लोग स्लो खाना पीना सब देने के लिए बोले, अभी फिर बाद में हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। तो अभी जो है शिफ्ट किया जाएगा मैडम जी? जी जी। और आप आगे कुछ और सोच है मैडम, कुछ कदम म्यूनसिपल काउंसिल और उठाएंगे इनका पुनर्वासन के लिए? उठाएंगे सर, उठाएंगे इसके लिए कदम उठाएंगे सर, सबका 20 फैमिली है, 20 फैमिली के लिए हम लोग निकालेंगे, CS के पास भी जाएंगे इसके लेके। अब हम सीनियर वाइस चेयरमैन अजीजुर रहमान जी से बात करना चाहेंगे। सर यहाँ का निरीक्षण किया आप लोगों ने और जायज़ा लिया, देखे हैं आप लोगों ने कि क्या हालत, क्या कंडीशन में लोग रह रहे हैं इस वक्त, और आप लोगों की तरफ से आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से? नहीं, यहाँ आकर बहुत दुख लगा इनका हालत देखकर, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हुआ है और अभी तक ये लोग जो हेल्पलेस है, और हमारा म्यूनसिपल काउंसिल अभी हाल ही 2 महीने पहले ही जो है बना है, तो आज ही हम लोगों को इसके बारे में जो है बताया गया, कल शाम को इनके वार्ड के काउंसलर जो है मैडम जो है इन्होंने बताया, तो इनको फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि जाकर देखेंगे, मगर आने के बाद यहाँ लगा कि वाकई जो है ये लोग काफ़ी तकलीफ देख रहे हैं और इतना बारिश तूफान में भी वो जो गिरा हुआ घर में भी वो एडजस्टमेंट करके रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रहने का जगह नहीं है। तो हमारी चेयरपर्सन मैडम आई है और उन्होंने अच्छे से देखा है और हमारे सेक्रेटरी PBMC सुधाकर सर भी देख कर गए और उन्होंने स्पॉट में भी बोला अगर किसी को रहने का दिक्कत है तो कहीं कम्युनिटी हॉल में इनको फ़िलहाल जो है रहने के लिए दिया जाए, और बाकी आगे इतना बड़ा जो काम है यहाँ पे फ़िलहाल हम
एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करेंगे कि कम से कम जो है ये रिटेनिंग वॉल अगर बन जाए जी, कि उनका तो काम चल रहा है, अगर ये भी बन जाए, क्योंकि डैमेज तो उन्हीं की वजह से हुआ है, लैंडस्लाइडिंग जो है उनका जो यहाँ पे मट्टी काटने के वजह से जो है, मेरे को जहाँ से यहाँ से दिख रहा है जो जी, जी, क्या आप लोगों का भी यही है ना, वो उनका मट्टी काटने के बाद ही धसा है, तो उसको दोबारा से रिमूव कर दिया, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका काम चल रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा काम है सर। थोड़ा सा सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, थोड़ा रोकने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के जानकारी के लिए सर, ये पूरे खेती का, ये खेती बस्ती कहा जाता था, पूरे दलदली इलाका था, वैसे ये कोस्ट गार्ड का इनक्लेव बन रहा है सर, और इन लोग लगातार जून 2021 से लगातार अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, इनसे बात भी हुई थी सर, लेकिन उसके बावजूद इसके इन्होंने बिना कोई रिटेनिंग वॉल प्रॉपर सेफ्टी लिए हुए ही उसके पूरे अर्थ कटिंग कर दिए, जिसके कारण से ये तो मडी लैंड था सर, इंटरनल पूरा काफ़ी सॉयल इरोजन जिसको रोकना मुश्किल था। अब आप लोगों ने इंस्पेक्शन के दौरान देखे होंगे कि लगभग रिटेनिंग वॉल भी खिसक चुका है, तो ये कोस्ट गार्ड एन्क्लेव क्या आगे म्यूनसिपल काउंसिल कोस्ट गार्ड से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सर, बातचीत? हाँ, इतना डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, बस आकर ये देख कर लगा है कि यहाँ पर अर्थ कटिंग की वजह से जो है ये लैंड स्लाइड हुआ है, काफ़ी 17-18 जो है फैमिली जो है बेघर हो चुका है जी, तो इनको मदद करने के लिए हमारे पीवीएमसी में हम बात करेंगे, चेयरपर्सन मैडम भी है और सेक्रेटरी और आगे जो भी डिपार्टमेंट है इनसे बात करके कुछ ना कुछ तो इनको मदद दिलाने के लिए आवाज़ तो राहत की हाँ हम लोग जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे जी जी। और हम काउंसिलर जी से बात करेंगे मैडम से। मैडम, ये आपको पहले से पता था कि यहाँ पे ऐसे लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई थी? शुरू हो गया, पता था, एक बार तो आके दिखाया, थोड़ा थोड़ा स्लाइडिंग का वजह से कर भी थोड़ा क्रैक था, वो क्रैक तो थोड़ा थोड़ा करके उन लोग को कोई सोचा नहीं इस तरह जाएगा करके, इन लोग को मट्टी टोटली काट के छोड़ दिया था, वो रिटेनिंग वॉल भी बनाते वो भी गिर गया, फिर उसके बाद तो थोड़ा मोड़ा हम लोग भी देखे, एक बार इंस्पेक्शन करा, उसी टाइम तो थोड़ा कम थी था, अभी बारिश गिरती गिरती मट्टी के अंदर पानी ज़्यादा तो पूरा स्लाइडिंग हो गया, स्लाइडिंग के बॉल गिरने तरह गिर गया, सारा कुछ डैमेज हो गया, कोई रहने का नहीं सकता, उसी में एक बार डिजास्टर का तरह हो गया था, डिजास्टर बोलने से सुनामी से भी बड़ा नुकसान है, सुनामी एक बार आया चले गया, ये तो डेली का मरने का तरह रहता था, इसलिए इसका अभी सभी आया, चेयरपर्सन आया, सेक्रेटरी सर आ गया, ऑफिसर सभी आया था, एक आवासीय लोग भी है, एक बार उन लोग भी मदद मिलने के तरह एक सेल्टर बना कर देना है, सेल्टर कोई भी जगह में रहेगा सुनामी सेल्टर का तरह, वो सेल्टर में थोड़ा शिफ्ट करने से उन लोग भी थोड़ा मदद मिलेगा, थोड़े दिन वो सेटल होने के बाद कुछ हम लोग की तरफ से म्यूनिसिपल तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये एनर्जी से भी थोड़ा मिलेगा, उसके बाद क्या आप लोग को मदद मिलेगा उसके बाद वो लोग सेटल करेंगे, और ये सभी आया, सभी का धन्यवाद है, ये मदद मिलना भी सभी खुशी करेंगे। और मैडम एक बात, यहाँ के लोग जो आप इस वक्त में यहाँ मौजूद हैं, आप तमाम सीनियर वाइस चेयरमैन, आप लोग, इन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि कहीं से भी कोई पॉजिटिव, कहीं कोई रिस्पांस आ नहीं रहा था, तो आपका आना इनके लिए दिल में एक उम्मीद की किरण जगी है और इन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आपकी तरफ से इनको आश्वासन आप देंगे, आप इनके लिए ज़रूर कोई ना कोई प्रबंध इनके लिए करेंगे पुख्ता? पक्का करेगा सर, अभी तो शिफ्ट करने के लिए बोला जी, कम्युनिटी हॉल में तो सबको लेके जाएंगे कि पानी होने का, खाना पीना का, सबका परमानेंट सोल्यूशन निकालेगा सर, सभी के लिए निकल 20 महीने रहने से ना सर कुछ मुश्किल है सर, थोड़ा शेल्टर कोई भी जगह में, बहुत सारा जगह में खाली था, क्वार्टर है, कोई भी शेल्टर है, सुनामी शेल्टर है, कुछ भी है, उस तरह छोटे छोटे जगह उनसे भी परवाह नहीं, एक जगह में कम्युनिटी हॉल में रुकेगा, बच्चा उच्चा अभी मच्छर उच्छर पूरा बारिश है, वो मुश्किल है, थोड़ा देख के कर सकता, म्यूनसिपल से बहुत ज़्यादा जगह है, म्यूनसिपल से और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोल के हम लोग थोड़ा प्रेशर करेंगे, उसका वजह से थोड़ा मिलने जी। मैं SBC सर से, मैं थोड़े से एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक सुझाव है पब्लिक की ओर से भी, यहाँ के निवासियों की ओर से, कि म्यूनसिपल काउंसिल ने अपनी पहल कर दी है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि अनऑफिशियली एक बार इन्होंने कहा था सर, कोस्ट गार्ड वहाँ के कंसर्न अधिकारी ने, कि हम आपके लिए मदद करेंगे, तो उनसे बात किया जाए, अगर उनकी तरफ से भी कोई मदद हो और म्यूनसिपल काउंसिल भी करे, तो शायद ये संभव हो सकता है सर, तो
तो इस पर क्या गौर किया जाएगा सर? हाँ हाँ ज़रूर, इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात करेंगे जी सर, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तो डिज़ास्टर अगर आपके वजह से हुआ है तो इनको मदद भी आप करिए, कम से कम वॉल वगैरह सब बना देंगे तो बाकी का जो हेल्प है वार्ड काउंसलर है, चेयरपर्सन है और हमारे काउंसिल की तरफ से जो मदद होगा वो करेंगे, जो बेसिक मदद हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे जी जी। तो जैसे आपने सुना, लोग काफ़ी हद तक आश्वस्त हैं और खुश इस बात के लिए भी है वो कि अब तक उनके कोई सुध नहीं लिया जा रहा था, कोई तमाम अधिकारी जो यहाँ के जानकारी में उन लोगों के थे या अथवा नहीं थे, मगर जब चेयरपर्सन, सीनियर वाइस चेयरपर्सन, अन्य अधिकारी, सेक्रेटरी साहब खुद यहाँ आके इनको जो आश्वासन दिए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अब हमारे यहाँ के लोगों की पूरी नज़र अब म्यूनसिपल काउंसिल से किए जाने वाले और दिए जाने वाले राहत पे निर्भर करेगी और देखना होगा आगे ये क्या ठोस कदम उठाते हैं और यहाँ के लोगों के पुनर्वासन के लिए क्या तरीका ढूंढते हैं। और ये उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं शायद हमसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ सर बोलिए। पहली बात यह है कि ये एक प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब बनाया है तो सॉइल टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट होके वहाँ पर में सारा कुछ टेस्टिंग होने के बाद उस सॉइल में कौन सा तरह का फाउंडेशन लगेगा और कौन सा तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ये टेस्ट होता है। ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट फेल है। जब इतना बड़ा रिटेनिंग वॉल गिर गया है तो उसके चलते 17 घर को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये प्रोजेक्ट बना था तो इसी इंजीनियरिंग का टोटली फेल है कि इंजीनियरिंग अगर सही तरह से ड्राइंग और सही तरह से अगर साइट का विजिट करके सॉइल का टेस्ट करके अगर ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया होता तो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं होता। अगर डिजास्टर हुआ है तो इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी बहुत जिम्मेवार है, जो ये एयरपोर्ट का एक्सटेंशन में जो काम कर रहा है उसके ऊपर में ये जितना प्रोजेक्ट हुआ है इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए कि ये तरह का काम करके इतना 17 घर को नुकसान हुआ है और उसका कंपनसेशन जो है जो अथॉरिटी प्रोजेक्ट करता है इन 17 घर का कंपनसेशन उनको देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का है कि उनका जो कंसर्न अथॉरिटी है जो इस प्रोजेक्ट को काम कर रहा है वो इनको कंपनसेशन देना है। सर और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने जो कहा बिल्कुल सही है और सर एक चीज़ और भी यहाँ दिख रहा है, जो ये करोड़ों की लागत से सरकार का पैसा लग रहा है कि मिट्टी जिस तादाद में खिसक रही है उनका प्रोजेक्ट पे भी असर होने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट तक जाके वो सामने रुकने वाला तो है नहीं मिट्टी। तो यहाँ एक इनका ये नुकसान है सरकार का, दूसरे इनकी लापरवाही की वजह से जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग फेलियर की वजह से और इतने बड़े डिज़ास्टर हुए तो मुआवजा कहीं ना कहीं उनको देना चाहिए। तो ये पूरे कार्रवाई के दौरान क्या ऐसे कार्रवाई अब म्यूनसिपल काउंसिल करेगी और उनसे बातचीत करेगी कि हर्जाने के बारे में, ये आपको क्या लगता है सर? ये मैटर एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप करना चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, जब प्रोजेक्ट हुआ है तो उसमें सब टेस्टिंग होता है, टोटल इंजीनियरिंग फेल है। अगर इंजीनियरिंग फेल है तो कंसर्न अथॉरिटी जो ये ड्राइंग और ये जो प्लान बनाया है और उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए कि वो ऐसा प्लान क्यों बनाया जिससे कि इतने लोगों का नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है तो उनको कंसर्न अथॉरिटी को इनको कंपनसेशन देना चाहिए। दूसरी बात और एक है कि म्यूनसिपल इसका क्यों बेयर करेगा? म्यूनसिपल ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ये प्रोजेक्ट तो कंसर्न एयरपोर्ट अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो कंसर्न अथॉरिटी से कंपनसेशन इनको मिलना है जी। अगर ये वैलिड है तो इनको कंपनसेशन जो अथॉरिटी है उनसे इनको मिलना है। और दूसरी बात ये है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद में साइट का विजिट होता है, साइट में लोकेशन क्या है, कितनी घर है, क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो किसी को इस प्रोजेक्ट से नुकसान तो नहीं होगा, ये सारा असेसमेंट करा है एडमिनिस्ट्रेशन? अगर करा है तो इतना बड़ा डिजास्टर क्यों हुआ? धन्यवाद जी। जी बिल्कुल, आपने देखा बहुत महत्वपूर्ण कुछ सवाल उभर के सामने आए, संशय है और शक है कि इंजीनियरिंग फेलियर है पूरी तरीके से, जिसके कारण से ये ध्वस्त हुआ है, लोग यहाँ अफेक्टेड हुए हैं, लोगों की ज़मीनें खिसकी हैं, घर ढह गए हैं। और इन तमाम सवालों के साथ में अब देखना ये होगा कि ये जो एनक्लेव हैंगर बन रहा है, ये हैंगर, ये जो बनाने वाले कंसर्न डिपार्टमेंट है, ये अपना रुख क्या दिखाती हैं, इनका रुख क्या होता है, और म्यूनसिपल काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर
एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार आइलैंड, इनका रुख क्या होता है, वो इस पर कितनी गंभीरता से इस पर कार्रवाई करते हैं और क्या सहूलतें और क्या राहत इनको यहाँ के लोगों को पहुँचाती है, ये देखने की और इंतज़ार की घड़ी है। अब हम इंतज़ार करेंगे और अगले कार्रवाई पे हमारी नज़र रहेगी और आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।